सत श्रीकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीआं ताज़ा खबरां। बीते दिन तो ही पंजाब दे विच कैबिनेट की बैठक नूं लैके चर्चावां सी। सब तो पहला रुख उसे कैबिनेट बैठक दे वल करांगे। पंजाब दे विच लगातार करोना दे वध रहे अंकड़े अते इस दुनिया तो जाण वालियां दी गिणती दे विच बेरिकॉर्ड वाधे नूं लगातार चिंता का विषय मनिया जा रहा है। इसे विचकार कैबिनेट की बैठक हुई है, जिस दे विच कोरोना के मद्देनज़र अहम फैसले लए गए ने। रजिस्टर्ड कामियां भाव के उसारी कामे ने जो उन्होंने हुण 3000 रुपया प्रति महीना पंजाब की सरकार देगी। इस गल का फैसला इस कैबिनेट बैठक के लिया गया है। होर भी कई अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक के हुए ने। कि कुछ कैबिनेट की बैठक के खास लिया जाएंगे तो सीधा चलेंगे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डला होना के वाल। डला साहब, की कुछ खास कैबिनेट बैठक के रहा है? पंजाब सरकार ने अज मंत्रीमंडल की बैठक के कई वड्डे फैसले लए ने। पंजाब दे विच जिहड़े रजिस्टर्ड कामे ने उसारी महकमे दे नाल जुड़े ने या उसारी दे काम नाल जुड़े ने, उन्हां लई 3000 रुपए का जिहड़ा पत्ता है पंजाब की सरकार है जिहड़ी उह उपलब्ध कराएगी। ये भी अपने आप दे विच काफ़ी एक वड्डा फैसला है जिहड़ा उह पंजाब की सरकार का होण जा रहा है, और इस फैसले नूं भी काफ़ी गंभीरता दे नाल देखिया जा रहा है। उधर जे असी गल करिए मुल्क दे विच अज कोविड के केसां च एक बार फिर उछाल आया। अज कोविड के केसां दे विच साढ़े मुल्क दे विच 4,14,000 केस आए ने कुल, जिहड़े कि अचानक पिछले कुछ दिनों च घटन तो बाद वधे ने। इहदे करके काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्वक स्थितियां ने जिहड़ियां उह मुल्क च हजे भी बनिया हुई ने। वेंटीलेटरां की कमी के उत्ते पंजाब दे विच खूब सियासत हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के मामले पर भी खूब सियासत हो रही है, और लगातार 6 मंत्रियों के बयान हुण तक आ चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई की जाए। इन सारिया खबरों का विस्थार असी लवेंगे। और कुलदीप सिंह वैद ने, एक MLA ने जिहड़े हलका गिल लुधियाणा नाल संबंधित ने, उन्हों का भी बयान आया है। और सारे जिहड़े पंजाब के मंत्री ते विधायक ने इस वक्त BADB के मामले पर इंसाफ देने लई अपने अपने पद्धर ते मंग भी कर रहे हैं। और कांग्रेस दो खेमियां च नज़र आ रही है, एक खेमा सिद्धू दे नाल हमायत कर रही है, एक खेमा कैप्टन अमरिंदर दे नाल हमायत कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स ने जिहड़े एक एक करके असीं अज विचारांगे। जी डला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के उत्ते चर्चा करन दे लई। ते हुण वधांगे नवजोत सिंह सिद्धू दे वाल। नवजोत सिंह सिद्धू हर 24 घंटिया बाद एक ट्विटर बंब छड़दे ने, जिस ट्विटर बंब की चर्चा फिर सारा दिन मीडिया घराणियां दे विच रहिंदी है। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर तो ट्वीट करते हैं तो निशाने के उत्ते हर वार की तरह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते सरकार रही है। हालांकि नाम किसी का नवजोत सिंह सिद्धू के वलों नहीं लिया जाता, पर जो इशारे नवजोत सिंह सिद्धू के होंगे ने यह साफ होंगे ने कि इशारे किते किधर जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर तो ट्वीट कर रहे ने। ट्वीट तुसी वेख सकते हो जिस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू लिख रहे ने कि मुद्दे ते आओ, पटकाउणा बंद करो, कल अज ते कल मेरी आत्मा गुरु साहब दे इंसाफ दी मंग करदी है अते आउण वाले समें दे विच वी करदी रहेगी। गुरु दी बेअदबी अते इंसाफ दी मंग पार्टियां तो उपर है। पार्टी मैंबरां दे मोढे दे उत्ते रख के बंदूक चलाउणी बंद करो। तुसी आप सीधे तौर दे उत्ते इस दी जिम्मेवारी अते जवाबदेही दे सकते हो। गुरु साहब दी सच्ची कचहरी विच तुहानूं कौण बचाएगा? ? ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਹੈ। गुरु साहब के इंसाफ की गल फिर तो होंगी है कि बेअदबियां के इंसाफ कदों मिलणगे, इस नूं लैके लगातार नवजोत सिंह सिद्धू सवाल चुक रहे ने। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष के विच भी कई आगू ने ते कई नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध के विच भी ने। बीते दिन ही सीनियर पत्रकार सुरिंदर डला के वलों भी एक खास चर्चा लुधियाणा के गिल हल्के तो विधायक कांग्रेसी आगू वैद होना दे नाल इंटरव्यू की गई है। MLA वैद ने सीधे तौर के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह का पक्ष लिया। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे की कुछ क्या सुनते हैं? देखो, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं समझाउण दी जरूरत नहीं है, वह आप बड़े सियाने ने। पर देखो, मंग तो वह भी इंसाफ की ही कर रहे हैं सरकार तो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुहाडे नाल देखो सारे इंसाफ की मंग करना ते एक अपने पार्टी विच हो के अपने चीफ मिनिस्टर ते कमेंट करना, ये दो गल्लां नहीं ठीक। देखो, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने जिन्हें भी ट्वीट किए ने वो आप सारे पता है। मैं जे तुहानू कहां कि घर का जिहड़ा एक अपना परिवार है, जे एक प्यो नू मुंडा एक गाला ही कढ़ी जाऊगा तो एक दिन प्यो दुखी होकर फिर उस मुंडे नू घरों कढ़ूगा ही। यही कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ा ट्वीट किया कि उत्थे पटियाले आ जाओ, इलैक्शन लड़ लो, पता लग जूगा। ए दिस इज़ फैक्ट।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ MLA ਨੇ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੈਲੰਜ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ JJ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਛੱਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੜੋਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੇ ਤੀਜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, 15 ਪਰਚੇ, 16 ਪਰਚੇ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 10-10। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਖੜ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ, ਅਬੋਹਰ ਹੁਣ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਵੀਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਟਵੀਟਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਗਰਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 71 ਪਹਿਲਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਕਸਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਲੇਮ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ 31-32 ਬੋਡੀਜ਼ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ 52 ਹੋਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? 71, 32 ਅਤੇ 52, ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨਕਲੇਮ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਨੇ? ਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੜਥੱਲੀ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਾਕਾ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਫੋਰਸ ਤੋ ਆਲਰੇਡੀ
फील्ड में लगे हुए हैं, आप भी देखे होंगे, पूरा बिल्कुल टाइट चेकिंग चल रही है। हमारा शाहदरा ज़िले में तो कम से कम जो हर इलाका में हर थाने में 11 थाना है, हर थाने में कम से कम 10 जगह पर पिकेट लगा रखा है, उसका चेकिंग चल रही है। उसके अलावा जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग सायरन बजाते हुए वो भी एरिया में है, हमारा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल उसका भी पेट्रोलिंग एरिया में दिख रही है। उसके अलावा जो फुट पेट्रोलिंग, जो एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग, वो जो ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका है जगतपुरी, गेदा कॉलोनी, सीमापुरी, इसी एरिया में हमारा जो एरिया डोमिनेशन जो पेट्रोलिंग है वो भी चल रही है। इसके अलावा हमारा जो भी है सीनियर ऑफिसर्स, जो SHOs, इंस्पेक्टर्स है, ACPs है, एडिशनल DCPs है, सब अपना जो प्रेजेंस है एरिया में रख के पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लोगों को हम उम्मीद दिलाना चाहते हैं, हम एरिया में उनकी सुरक्षा के लिए ये इसी कोविड का समय में आप लोग बिल्कुल बाहर नहीं आइए, जो सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको पालन कीजिए। हम आपका सुरक्षा के लिए एरिया में हम अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूरे मुल्क दे विच कोरोना दी मार ते चलदियां ऑक्सीजन की घाट का सामना कई सूबे कर रहे ने। पंजाब दे विच ऑक्सीजन की घाट ना आवे इस दे लई वख-वख व्यापारी संगठन अते वख-वख व्यापारियों के सहयोग के नाल चलन वाली संस्था के आगुआं दे वल्लों भी प्रबंध किए जा रहे हैं। लुधियाणा के एक व्यापारी दे वल्लों लॉस एंजल तो ऑक्सीजन दे लई वरते जाण वाले विशेष प्रबंध के तौर के उत्ते मंगाइया गई मशीन दिखाई गई ने। यह मशीन स्पैशल जिहड़ियां लॉस एंजलस तो मंगवाई गई ने तां जो किसी भी किस्म की ऑक्सीजन की घाट को मौके पर पूरा किया जा सके। तो प्रोजेक्ट हील ऑफकोर्स कोविड टाइम्स के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हमारे इसकी। राउंड टेबल इंडिया के जितने मेंबर्स हैं हर शहर में, हमने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी हेल्प आती है गवर्नमेंट लेवल पे, बट आम आदमी को नहीं पहुंच पाती है, चाहे वो कोई भी रीजंस हो, तो चाहे वो मेडिसन्स हों, चाहे वो बेड्स हों, चाहे वो ओल्ड एज लोगों को खाना हो लॉकडाउन के टाइम पर। तो प्रोजेक्ट हील के अंडर हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें RTI किचन भी था, जिसमें हमने अराउंड 20 लाख मील्स ऑल अक्रॉस इंडिया दी पिछले जब वेव आई थी। फिर प्रोजेक्ट हील के अंदर हम हॉस्पिटल्स के साथ वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर बेड्स, ICUs, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वो सारा मेडिकल इक्विपमेंट जो हम तैयार कर रहे हैं, तो दैट इज़ प्रोजेक्ट हील। तो उधर से शुरू हुआ ये। सर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये टेक्निकली कल से चालू हुआ है, हमने अपने लेवल पे तो ऑफकोर्स रेस किए हुए हैं हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर जो आ रहे हैं ये कल से लैंड होने शुरू हुए हैं। कल पहले 162 पीसेज आए हैं, विद इन नेक्स्ट 1-2 डेज अनदर 162 एंड 500 पीसेज आर कमिंग, फिर 1000 आएंगे। बेसिकली एयर कार्गो थोड़ा सा डिलेड चल रहा है हर जगह से, सो वी आर ट्राइंग टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल। प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे प्रोक्योर हो चुके हैं। कोरोना महामारी के दरमियान आने वाली ऑक्सीजन की कमी के चलते इस कमी तो बचा जा सकता है। जी हाँ, योगा के जरिए तुसी अपने शरीर के ऑक्सीजन लैवल नूं सही रख सकते हो, इस गल का दावा एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के मुखी के वल्लों किया गया। उन्होंने कुछ आसन दसे ने जिन्हां दे जरिए तुसी अपने शरीर का बचा कर सकोगे। कि ये हमारी बहुत पौराणिक विद्या है, जिससे नेचुरली आप अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, अपने इम्यून सिस्टम को, जिस क्योंकि कोरोना का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो हमारे लंग्स पर और हमारे इम्यून सिस्टम पर रहता है, तो हम प्राणायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा इनको बढ़ा सकते हैं। और मैं सबसे पहले प्राणायाम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा समय आया है जहाँ पे लोग फिजिकली से ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो जब हम कभी ऐसे दौर से गुजर रहे हों तो सबसे ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि आसनों से ज़्यादा समय हम प्राणायाम को दें, मेडिटेशन को दें। तो आप क्लास को आसनों से शुरू ना करते हुए मेडिटेशन से शुरू करें या प्राणायाम से शुरू करें, फिर धीरे धीरे आसनों की ओर चले। और इस समय में जब व्यक्ति अगर बीमार है या कोई भी वीकनेस है तो उस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का योगा करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस समय पे कैसे योगा होना चाहिए। तो इस समय पे आपको पावर योगा, प्लाटे योगा, स्टांगा, विन्यासा, फ्लो योगा या जो हार्डकोर वर्कआउट है उसको अवॉइड करना है, उसको सिंपल योगा में बदलना है। क्योंकि जब सिंपल योगा आप करेंगे, जैसे जेंटल योगा है, राज योगा है या येन योगा है, रिस्टोरेटिव योगा है, ये इस टाइम पे बहुत ही इफेक्टिव है आप लोगों के लिए। बीते दिन ही लुधियाना शहर के विचों एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई सी, जो बच्चा जुराबा बेच के अपने घर का खर्चा चलाने दे विच परिवारक मैंबरां की सहायता कर रहा सी। उसकी मदद पंजाब सरकार के वलों कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने उत्ते की गई, 2 लाख रुपए की माली मदद के नाल बच्चे की उसके भरा की
दाखले की राशि भी दी गई ताजो वधिया स्कूल दे विच अपनी पढ़ाई जारी कर सके। इस तरह दीआं तस्वीरां होर सामने आईआं ने, इन्हां तस्वीरां दे विच तुसीं वेख सकते हो छोटा जिहा बच्चा जो कि हुण पिता की नौकरी जाने चलदियां गलियां दे विच सब्जियां बेच रहा है ते सब्जी वेच के अपने घर का गुजारा कर रहा है। बच्चे नूं वेख हर कोई सोच रहा है कि निक्की उम्र दे विच इन्नियां वड्डियां जिम्मेवारियां जदों सिरां दे उत्ते पै जांदियां ने तां किस तरह परिवारक मैंबरां दे नाल सहायता करन दे लिए बच्चे अगे आ जांदे ने। एक बार फिर तो सब दे वल्लों अपील हुई है कि इस बच्चे की भी मदद की जानी चाहिए है। मैं गली नंबर 6 च रहिंदा, मेरा नाम है लक्की, मेरी उम्र है 18 साल दी। किहड़े स्कूल पढ़दे हो? एसएन जान। सब्जियां बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? घर दी मजबूरी करके बेच रहा, मेरे पापा दी पिछले लॉकडाउन दे विच नौकरी चल गई सी, इस करके मैं सब्जियां बेचदा हां। घर दे विच कौन कौन है? एक मैं है, मेरे पापा है, एक मेरी दादी है, दो भैणां है। की मजबूरी करते, की मजबूरी है? दो भैणां दा ब्याह करन वास्ते मैनूं ये काम करदा हां मैं। ਬਸ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਦੋ ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਪਿਓ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਅਗਲੇ ਪੁਗਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।